वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज का जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर है वो है टीजीटी हिंदी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन, कि मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार आए थे। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, जो रह गए थे उनको अब अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स इक्वल टू 37 की पावर 146 प्लस 64 की पावर 243 प्लस 243 की पावर 67 हो, तो एक्स में इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इकाई अंक की मैंने पूरी यूनिट अपलोड की हुई है कि कैसे निकालते हैं इकाई अंक फास्ट वे से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी पावर है इसकी पावर कितनी है, 146, 243, 67। तो पावर में अपने 4 का डिवाइड करते हैं, पावर में क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं। तो मैंने पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2 रिमाइंडर आया। जो रिमाइंडर रह गया उसको लास्ट वाले अंक के सिर पर बिठा देते हैं, तो 7 के सिर पर बिठाया तो 7 की पावर कितनी होती है, 7 की पावर 2 आ गई और उसका मान कितना होगा, 49। ठीक है, उसी प्रकार 243 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रह गया, 3। उसको लास्ट वाले अंक के सिर पर बिठा दिया तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 49 आया, यहाँ 64 आया। फिर 67 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। 3 की पावर मैंने 3 बिठा दी तो कितना है, 27 आया। तो इन सभी को जो जोड़ूंगा, इन सभी को जोड़ूंगा तो जो लास्ट में इकाई अंक है वो उसने पूछा था, 9 और 4 13, 13 और 7 कितने होते हैं, 20। 20 में जोड़ा तो लास्ट में इकाई अंक क्या आया, 0। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया, 0। ठीक है स्टूडेंट, पहला काम क्या करना है, पावर में जितनी भी पावर दे रखी है उसमें 4 का डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको लास्ट वाले अंक के सिर पर बिठाना है। तो यहाँ लास्ट वाला सिर अंक क्या है, 49। तो 49 का भी अपने को लास्ट अंक चाहिए, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने 243 में मैंने 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। 4 के ऊपर 3 बिठाया 64 आता है तो मेरे को 64 का 4 निकाल लिया। उसी प्रकार यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो 3 की पावर 3 बिठाई तो कितना है, 27। 27 का 7 ले लिया। 9 और 4 13, 13 और 7 कितने होते हैं, 20। 20 में लास्ट वाला अंक क्या है, 0। तो हमारा यूनिट प्लेस कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन में मैंने अपने टाइम एंड वर्क की यूनिट में करवाया हुआ है। कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 10 दिन तक एक साथ काम करने के पश्चात बी चला जाता है और फिर ए और तथा सी मिलकर शेष काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए सी उस काम को कितने दिन में अकेला करेगा। तो मुझे ये नहीं पता कि काम कितना है, तो मैंने मान लिया कि ए जो 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, तो इनका मैंने एलसीएम मान लिया। 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 90। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो वर्क था वो 90 यूनिट था। कितना यूनिट था, 90 यूनिट। तो 90 यूनिट वर्क को ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। और उसी काम को बी 90 यूनिट को 45 दिन में करता है तो एक यूनिट कितने दिन में, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 2 यूनिट। तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 5 यूनिट करते हैं। यहाँ से ए का एक दिन का यूनिट आ गया 3, यहाँ से बी का एक यूनिट का दिन कितना आ गया, 2। तो दोनों का एक यूनिट कितना आया, दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। और उसने कहा है कि दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में कार्य करते हैं 5 यूनिट और 10 दिन में कितना करेंगे, 50 यूनिट। तो एक दिन का कितना है, एक दिन का 5 यूनिट, तो 10 दिन का कितना देगा, 10 × 5 कितना देगा, 50 यूनिट। तो दोनों 10 दिन तक करते हैं तो कितना काम कर लेंगे, 50 यूनिट। और कार्य कितना है, 90 यूनिट माइनस 50 यूनिट, तो पीछे कार्य कितना रह गया, 40 यूनिट। तो बी तो भाग जाता है। अब 40 यूनिट के कार्य को शेष वर्ग ए तथा सी मिलकर करते हैं 10 दिन में, 40 यूनिट को। कितना, 10 दिन रह गए बाकी। उसने खुद ने कहा है कि पहले 10 दिन करते हैं ये दोनों, फिर ए और सी मिलकर द्वारा फिर 10 दिन तक उसको पूरा करते हैं। तो 40 यूनिट के कार्य को ए तथा सी 10 दिन में करते हैं। यहाँ से ए अपने को पता है कि एक दिन में कितना करता है, 3। तो 10 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट। तो जब ए और सी मिलकर कार्य करेंगे तो उसमें 30 यूनिट कार्य तो कौन करेगा, 30 यूनिट कार्य अकेला ए करेगा। तो पीछे 10 यूनिट का कार्य रह गया, 10 यूनिट का कार्य सी 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। उसने पूछा कि टोटल वर्क कितना होगा, तो सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो टोटल यूनिट कितना है, 90। तो 90 यूनिट का कार्य 90 दिन में करेगा, तो उसकी जो डे हैं वो कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला इस कार्य को 90 डेज में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, नेक्स्ट को रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 4:1 हो, तो x की 3 प्लस वाई की 3 रेशो x की 3 माइनस वाई की 3 का मान बताइए। अपने को इतना मान दे रखा है, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इक्वल टू 4-1। अपने से पूछा है कि x इसका मान बताइए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x और y के मान निकालूँगा इंडिविजुअल। तो मैंने युगांतर अनुपात लगाया स्टूडेंट। युगांतर अनुपात में क्या होता है,
कि जो चीज़ यहाँ जुड़ी होती है वो नीचे घटी होती है, और यहाँ से युगांतर अनुपात घटाऊंगा तो चार में एक जोड़ दूंगा, चार में एक घटा दूंगा, ठीक है। उस जिस प्रकार x में y जुड़ा हुआ है और नीचे x माइनस वाई घटा हुआ है, तो उसी प्रकार चार में एक जोड़ दूंगा, चार में एक घटा दूंगा, तो यहाँ से x बटे वाई आ जाएगा, वहाँ कितना आ जाएगा, चार प्लस एक कितने थे पाँच, चार माइनस एक कितने थे तीन, तो x का मान आ गया स्टूडेंट पाँच, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया तीन। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया पाँच, y का मान निकाल लिया तीन, तो x और y के मान को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, ये वाली इक्वेशन। तो x का मान रखा पाँच, तो पाँच की क्यूब कितनी होती है 125, वाई का मान रखा तीन, तीन की क्यूब कितनी होती है 27, अनुपात 125 माइनस 27, तो 152 अनुपात 98, दो की टेबल से काटा तो 76 अनुपात 49 आ गया। तो ये क्वेश्चन TGT मैथ 22 तारीख के क्वेश्चन में भी आया था, ये सेम का सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में सभी कर्मचारियों का 60% महिलाएँ हैं, किसी कार्यालय में सभी कर्मचारियों का 60% महिलाएँ हैं और सभी पुरुष कर्मचारियों का 50% स्नातक है। यदि सभी कर्मचारियों का 62% स्नातक है तो महिला कर्मचारियों का कितना प्रतिशत स्नातक है। तो उसने सबसे पहले अपने को लाइन दे रखी है, कहता है जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उसका 60% महिलाएं हैं। तो मैंने मान लिया यदि 60% महिलाएं हैं वुमेन है, तो मेल कितने आ गए, मेल 40% आ गए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो मेल कितने आ गए 40% आ गए। अब मेल का 50%, जितने भी मेल हैं उसका 50% स्नातक है, तो मैंने 40% का 50% निकाला तो 20 क्या आ गए, 20 व्यक्ति स्नातक आ गए। अब उसने कहा है कि टोटल कर्मचारी 62% स्नातक होने चाहिए, अपने पास 20 तो आ गए स्नातक, ठीक है, इसमें और कितना जोड़ूँ कि ये 62 बन जाए, तो और जोड़ूँगा 42, 42 और 20 कितने होते हैं, 42 और 20 कितने होते हैं 62 होते हैं। तो उसने पहले अपने को कहा था कि 60% महिलाएं हैं, तो 60% महिलाएं हैं, तो 40% मैंने क्या निकाल ली, मैन निकाल लिए, उनका 50% मैंने स्नातक निकाला तो 20 व्यक्ति स्नातक आ गए, ठीक है। अब कहते हैं कि टोटल व्यक्ति 62% स्नातक होना चाहिए, 20% तो आ गए, अब इसको 62% लाना है तो कितना और जोड़ूँ 42। तो उसने पूछा है कि लास्ट में महिला कर्मचारियों का स्नातक प्रतिशत कितना होगा, अब 60 का कितना प्रतिशत निकालूँ कि 42 आ जाए, तो 60 का मैं 70% निकालता हूँ, तो यहाँ से मैंने ऑप्शन उठाया चार, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, दो जीरो से जो जीरो कट गए, तो साक्षी का कितने आ गए 42 और 20 कितने होते हैं 62, तो जो 70% है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, अब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 22% हानि पर बेचा जाता है और दूसरी को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 560 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। पहले हानि पर बेचा जाता है परसेंट में, फिर रुपए में बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 10% का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले कह रहा है कि दो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो इक्वल है, तो मैंने 100 मान लिया क्रय मूल्य है, तो दोनों को मैंने क्या क्या दे दिया 50-50। पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना है 50, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना है 50। उसने खुद ने कहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 50-50 है, तो टोटल कितना आ गया 100। पहली वस्तु को 22% हानि पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 50 है, 22% हानि पर बेचा जाएगा तो 78% निकाल लेता हूँ, तो 78% कितना आता है स्टूडेंट 78 आता है 39, तो मैंने 39 लिख दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि दूसरी को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 560 रुपये अधिक बेचा जाता है और कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, तो यहाँ 100 रुपये था तो यहाँ कितना हो जाएगा 110। तो उसने कहा है कि 10% का लाभ होना चाहिए, अब मैं यहाँ 100 था, यहाँ कितने आ गए 110 रुपये, अब 39 में क्या जोड़ूँ कि 110 रुपये आ जाए, तो 71 जोड़ूंगा, ठीक है 71, ठीक है 71 आ गया मेरे पास, क्योंकि उसने खुद ने कहा कि 10% लाभ होना चाहिए, देखिए कुल मिलाकर 10% का लाभ होना चाहिए, तो 100 में खरीदा था और 110 में बेचूंगा तभी कुल मिलाकर 10% का लाभ होगा, तो यहाँ कितना आएगा 71, ठीक है। और उसने दूसरी लाइन किया, दूसरी को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 560 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, अगर वैसे देखें मूल्य तो कितना अधिक बेचा जाता है 32, और वैसे देखूँ तो कितना आएगा 560, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से समझ आ गया आपको 32 कैसे है, दोनों का अंतर देखिए 32, और वैसे रुपए में अंतर कितना देखा है 560, तो देखिए 32 का मूल्य कितना है 560, एक का मूल्य 560 बटे 32 और 50 का मूल्य चाहिए अपने को, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब गुना करके देख लीजिए किससे कटते हैं, तो देख लीजिए किससे कटेंगे, चार के टेबल से कट सकते हैं, ये 8 पर कट जाएगा, ठीक है, ये कितने पर कट जाएगा 140 पर, ठीक है, और काट सकते हैं तो काट दीजिए, ये कितने कटेगा, ये 70 पर काट देते हैं, ये 4 पर काट देते हैं, ये 35 पर काट देते हैं,
ये 2 पर काट देते हैं, ये 25 पर काट देते हैं, 25 और 35 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा, कितना आएगा, 25 पाँच 875 के करीब आएगा, देख लेना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, आप गुना करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, करने का वे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 4a = 5b = 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का तरीका देखिए स्टूडेंट, कहता है कि अपने को a b c का मान निकालना है। अब अपने को a का रेशो निकालना है तो अपने इसको हिडन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे a है, देखिए यदि a का निकालना है तो इसको हिडन कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो a का मान कितना आ गया 35, ठीक है। अब b का निकालना है तो इसको हिडन कर लीजिए, ठीक है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 28। इसको निकालना है तो C को हिडन कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 20, ठीक है। 35:28:20 कहाँ है, 4th ऑप्शन में, ठीक है। अगर A को निकाल रहा हूँ तो इसको हिडन कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब B को निकाल रहा हूँ तो इसको हिडन कर लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 28, 35:28, ठीक है। अब इसको निकालना है तो C को हिडन कर लो तो 5 × 20, तो ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कहता है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग जो 18, 21 और 64 से पूरी पूरी विभाजित हो। कहता है कि चार अंकों के सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ, ठीक है, और वो संख्या 18, 21 और 84 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो पहले अपने संख्या निकालेंगे फिर उसके अंकों का योग निकालेंगे। तो ऐसा तरीका मैंने आपको नंबर सिस्टम के 4th चैप्टर में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 18, 21 और 84, ठीक है, इसका क्या निकाल लूँगा, इसका निकाल लूँगा मैं एलसीएम, इसका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आया स्टूडेंट 252, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो मैंने अपनी तरफ से मान ली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। इसके अलावा 5 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10,000, ठीक है, 1 लाख स्टार्ट हो जाती है, या 10,000, ये 9,999 है, 5 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 10,000। तो मैंने सबसे बड़ी संख्या मान ली 9,999, अब 252 का इसमें क्या किया मैंने, डिवाइड किया, तो लास्ट में मेरे पास 171 रिमाइंडर बचा। अब 171 रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि वो 18, 21 और 84 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। अगर ये इसके एलसीएम से पूरी पूरी विभाजित कब होगी, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने 9,999 से 171 रिमाइंडर घटा दिया तो संख्या कितनी आ गई 98, 28, तो वो संख्या निकली है 98, 28 जो 18, 21 और 84 से पूरी पूरी विभाजित होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इन अपने को योग पूछा था तो 18, 28 इन सब का योग करके देखिए 9, 8, 2, 8, तो 8, 8, 16, 16 और 11 कितने होते हैं 27, तो योग कितना गया 27। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अपने को योग पूछा था संख्या का तो योग निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कहता है कि 0.5 और 12 के ऊपर क्या है 12 है, फिर प्लस 0.86 के ऊपर 12 है, माइनस 0.13 के ऊपर 12 है, 4 के, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बराबर है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, बिल्कुल करवाया हुआ, सारी की सारी यूनिट करवाई हुई है प्रमेय और अप्रमेय संख्या में, रैशनल और इरैशनल नंबर में। तो 512 को सोल्व करने का तरीका देखिए, पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जिसके ऊपर जितने संख्याओं पर बार होता है, अब देखिए पहले 12 के ऊपर 12 है, जितने के ऊपर 12 है उतने नीचे 9 लगा दो, तो 9 लगा दिया मैंने, ठीक है। 2 के ऊपर 12 है, 2 9 लगा दिया, जिसके ऊपर 12 नहीं है उसको घटा दो, घटा दिया। कितने के ऊपर 12 नहीं है, 1 के ऊपर 0 लगा दो नीचे। पहले जितने के ऊपर 12 है उतने 2 नीचे 9 लगा दो, तो 2 के ऊपर 12 था एक संख्या और 2 संख्या, तो नीचे 2। कितने के ऊपर 12 नहीं था, एक ही संख्या के ऊपर, वो मैंने नीचे 0 लगा दी, और जितने के ऊपर 12 नहीं था वो संख्या घटा दो। तो 512 में से 5 घटाए तो कितने बचते हैं 507, नीचे 990, ठीक है, ये वाला आपको समझ आ गया। उसके ऊपर देखिए 86 के दोनों के ऊपर 12 है, तो 12 हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा 99 लग जाएगा 2 के ऊपर, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है तो सिंपल का सिंपल पड़ा रहेगा। उसके ऊपर कहता है कि 134 के ऊपर 12 था, 12 को मैंने हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा 99, किसके ऊपर 12 नहीं था एक संख्या के, उतनी 0 लगा दूंगा, जिसके ऊपर 12 नहीं था उसको घटा दो, तो 133। तो अब क्या किया मैंने,
देखिए यहाँ से 990, 99, 990, तो मैंने क्या किया 990 एलसीएम ले लिया, तो 507 आ गया। 990 में 99 का डिवाइड करूँगा तो 10 आ गया, 860 आ गया, 133। तो कुल संख्या मेरे पास कितनी रही, कुल संख्या मेरे पास रही 1234 बटे 990। अब 1234 में 990 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता कितना है, एक सही 244 बटे 9900, ठीक है मेरे पास ये आ गया। ठीक है 234 में यदि डिवाइड करता हूँ तो एक सही 244 बटे 990 आ गया। ठीक है तो ये क्या आया था मेरे पास, एक सही 244 बटे 90। ठीक है अब ये वाली कंडीशन कब आएगी, 990 नीचे कब आता है, जब 2 के ऊपर बार हो, तो 44 के ऊपर बार होगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और 2 मैं घटाता था अब 2 जोड़ूंगा। ठीक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 246 एक, तो पॉइंट 2 2, देखिए ये रहा 1.240 के ऊपर बार, क्योंकि मैंने ये लिखा था 244 बटे 90। इतना पता है कि एक दशमलव ये तो आएगा नहीं, क्योंकि अपना मान आ रहा था 1234, तो ये तो बहुत दूर है, या तो अपना मान ये आ सकता है या आ सकता है। उसको चेक करने का तरीका देखिए, अब 244 बटे 990, ठीक है अब 244 बटे 990, ये 99 कब आता है, जब 2 अंकों के ऊपर बार हो, तो इसके बार हो। ठीक है और ये 0 कब आता है, जिसके ऊपर बार ना हो, तो अपने ये घटाते भी थे ना 2, घटाएंगे तब जब अपने रिवर्स चलते हैं, अब तो रिवर्स दूसरी तरफ चल रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे भी, तो कितना आएगा 246 आएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये थे 10 क्वेश्चन पहले कराए थे, 8 क्वेश्चन ये हैं। अब जो 2 क्वेश्चन रह गए वो हैं अपने ग्राफ के, अगर आपको ग्राफ का करवाना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। धन्यवाद।